नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉक्टर रेड्डी में क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब सुइंग ले सकते हैं। तो यहां पे डॉक्टर रेड्डी को हम लोग जब 1 आवर के टाइम फ्रेम में एनालिसिस जब करते हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया हुआ है। ये सब पॉइंट को मिलाने के बाद जो है एक ट्रेंड लाइन गया हुआ है इस तरह से। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन गया हुआ है और ट्रेंड लाइन के साथ साथ एक राउंडिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पे अगर हम राउंडिंग पैटर्न को अगर हम बनाना चाहे तो एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। देखिए, दो दो स्थिति कर सकता है, या तो फिर से ये राउंडिंग पैटर्न का फॉर्मेशन करे और तब के टाइम में जो है इसका जो है ब्रेकआउट मारे, या फिर इसी पॉइंट से ब्रेकआउट दे। तो इसके लिए आपको हम लेवल्स हम बताएंगे कि किस लेवल पे आपका स्विंग ट्रेड बनेगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और इसके बाद आपका टारगेट क्या होगा। यदि ये इसी जगह से ब्रेकआउट करता है उस परिस्थिति का एंट्री पॉइंट, या फिर इस जगह से ब्रेकआउट देता है ऐसा पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद, तो वहां पे एंट्री पॉइंट दोनों सेम होगा। जो अभी के टाइम में जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं वो दोनों सेम होगा। यहां पर देखिएगा किस टाइप का पैटर्न बना रहा है। या तो देखिए यहाँ पे ये जो राउंडिंग पैटर्न जो बनाए हुए है, ऐसे कर करके जो राउंडिंग पैटर्न जो बनाए हुए है, ये राउंडिंग पैटर्न ठीक है, हो सकता है कि यहां से ब्रेकआउट न दे करके, ये पॉइंट को न निकाल करके ये राउंडिंग पैटर्न का फिर से फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, ये वाला जो राउंडिंग पैटर्न है फिर से फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, तो जब तक कि आपको जो है ये एरिया 5480 के ऊपर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जब तक आपको कोई कैंडल क्लोज करते हुए नहीं दिखेगा, और जब क्लोजिंग जब दे दिया तो उसके हाई जैसे ही ब्रेक करेगा आप एंट्री ले लीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस जो होगा 5420 के नीचे, 5420 के नीचे कैसा होगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा 5420 के नीचे कोई भी एक घंटा के कैंडल का क्लोजिंग और उसके लो को ब्रेक कर दे, जैसे ही लो ब्रेक करेगा आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपका ये देखिए क्या क्या चीज यहाँ पे ब्रेक होने जा रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पे जो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ब्रेक होगा। सेकंड जो आपका जो ब्रेक होगा ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होगा। और तीसरा जो है राउंडिंग पैटर्न का, ठीक है, राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये तीन, जैसे आदमी कहीं पे भी अगर ट्रेड लेता है तो एक दो पॉइंट का ब्रेकआउट में ट्रेड ले लेता है, यहां पर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, दूसरा ट्रेंड लाइन का और तीसरा राउंडिंग पैटर्न का। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब ये ब्रेकआउट जब करेगा उस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा कि ब्रेकआउट करने के बाद इसका छोटा मोटा टारगेट नहीं है, पहला ही आपका जो टारगेट होगा 6000 का होगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट जो होगा 6500 का होगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट होगा, इसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अगर होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। मतलब ये दो टारगेट तो बड़ी आसानी से ही देने का ताकत रखता है। जिस तरह से आप ध्यान दीजिए ना कि राउंडिंग पैटर्न का जब कभी भी ब्रेकआउट होता है उस परिस्थिति में फर्स्ट टारगेट जो होता है वो ये डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा ये डिस्टेंस, ठीक है, और सेकेंड टारगेट जो होता है ये वाला डिस्टेंस होता है। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो टारगेट है ये टारगेट काफी बड़ा है, 6500 से ऊपर का है, लेकिन हम आपको सेफली के सेफ ट्रेड करने के लिए फर्स्ट टारगेट 6000 का बता दिए और सेकंड टारगेट 6500 का बता दिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेवल्स होगा, जिस लेवल्स पर हम लोग को ट्रेड करना होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग को क्लियरली हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा लेवल होगा। सबसे पहला है कि डॉक्टर रेड्डी जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया हुआ है डॉक्टर रेड्डी को, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी को, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हुआ है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में है, जो भी आपका ट्रेड बनेगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही बनेगा। वो कौन सा लेवल होगा ध्यान दीजिएगा, जब तक यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जब तक डॉक्टर रेड्डी यहां पे एक घंटा के टाइम फ्रेम में 5200 से 5270 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ब्रेकआउट मिल जाएगा इसका, ठीक है, ब्रेकआउट कर जाएगा। तब तक इसका उम्मीद है ब्रेकआउट करने का जब तक ये 5200 से 5270 के ऊपर बना हुआ है एक घंटा के टाइम फ्रेम में, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्मीद होगा कि ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिए यही वो लेवल है जिस लेवल को ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये जो लेवल है 5200 से 5270 का ये जोन है,
जिस जोन को ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ यहाँ और यहाँ को जब आप मैच जब करवाएंगे तो जो ट्रेंड लाइन जो यहाँ से जो निकलेगा, सबसे पहला ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। सबसे पहला ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका एंट्री क्या होगा, आपका जो एंट्री होगा वो 1 आवर के टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में एंट्री पॉइंट 5480 के ऊपर एवव क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, 1 आवर कैंडल का, ठीक है। जैसे ये पॉइंट 5480 है, ठीक है, इसके ऊपर जब तक कि 1 घंटा का कैंडल का क्लोजिंग नहीं हो जाए, इसके ऊपर 5480 के ऊपर, ठीक, उसके हाई जैसे ही क्लोज किया उसके हाई पर आप ट्रेड को लगा दीजिए, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही आपका ये एंट्री हो जाएगा। ये कंडीशन क्या है, एंट्री का, ठीक है। अब ये आपका एंट्री हो गया, एंट्री के बाद क्या आता है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस आपका है 5420 के नीचे बिलो क्लोजिंग बेसिस। ये भी जो है 1 घंटा के टाइम फ्रेम में है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट है 5420, ठीक है। अब कोई कैंडल 1 घंटा का यदि 5420 के नीचे का आपका टारगेट नहीं दिया और 5420 के नीचे का क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ये आपका क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही क्लोजिंग दिया, जो कैंडल जो क्लोज किया है उसके लो पर जो है आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर लीजिए। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा वैसे ही आपका जो है स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए इस एरिया में। ये स्टॉप लॉस का कंडीशन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपका टारगेट आता है कि टारगेट क्या होगा, ठीक है, टारगेट क्या होगा। तो टारगेट 1 आपका जो होगा 6000 का होगा, टारगेट 2 आपका क्या होगा 6500 का होगा, ठीक है, टारगेट 3 क्या होगा 7000 का, ठीक है। ये 3 टारगेट आपका है। तो आप लोग जो चीज हम इस वीडियो में बताए हुए हैं, किस तरह से आपको जो है एंट्री बनाना है, किस तरह से आपको एंट्री बनाना है, अगर स्टॉप लॉस जाता है तो किस तरह से आपको स्टॉप लॉस लेना है, किस तरह से आपको टारगेट लेना है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वो जोन कौन सा होगा जिस जोन के ऊपर और जिस जोन के नीचे आपका एंट्री और स्टॉप लॉस है। जैसे 5480 है ना, 5420 है, तो वो जोन कौन सा है, तो ये जोन जो है 5480 से 5420 का ये जोन, ठीक है, ये जोन के ऊपर मतलब 5480 के ऊपर एंट्री लेना है। अगर 1 घंटा का कैंडल अगर क्लोज अगर कर देता है, ठीक है, और उसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर देता है तब, ठीक, और 54 अगर एंट्री मिल गया उस परिस्थिति में आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 5420 के नीचे कोई भी 1 घंटा का कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक कर देता है, वैसे परिस्थिति में स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जो हम बताए थे आप सबको कि यहां पर जो है आपका जो एरिया है, मतलब 5200 से 5270, ठीक है, 5200 से 5270, मतलब देखिए 1 घंटा के टाइम फ्रेम में यदि 5200 के नीचे का क्लोजिंग दे देगा तब तो हो सकता है कि राउंडिंग पैटर्न जो हम बताए थे वो राउंडिंग पैटर्न फिर से फॉर्मेशन करे, ठीक है, तब तो कुछ समय के लिए ये होल्ड करवा देगा आपको, तब तो कुछ समय के लिए ये ब्रेकआउट नहीं देगा, ठीक, 5200 के नीचे। जब तक इस जोन के ऊपर बना हुआ है, ये एक जोन है, ठीक है, ये जोन के ऊपर जब तक बना हुआ है ये आपका ब्रेकआउट करने का बहुत ज्यादा उम्मीद है, 5480 के ऊपर ब्रेकआउट करने का बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप अगर चाहें तो इस एरिया में भी आप रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर यहां पे मेनली आपको इंटर जो करना है 5480 के ऊपर, जो सिनारियो आपको बताया वो सिनारियो पर ही एंट्री लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एंट्री ले लेते हैं, या आपको लग रहा है कि ये जो जोन है, ये वाला जोन 5200 से 5270 का जोन, ये जोन आपको होल्ड करते हुए नजर आ रहा है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस में जो है आप एंट्री ले सकते हैं। अगर कोई आपको लगा कि कोई पैटर्न का ब्रेकआउट या कुछ भी मिल रहा है तो आप इस जगह भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये वाला रिस्की ही केवल करेंगे, बाकी और कोई नहीं करेंगे इस जगह पर एंट्री। आपको जो एंट्री का पॉइंट बताया है
ये वाला पॉइंट यही 5480 के ऊपर ही वन आवर के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये भी जो है 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस है, स्टॉप लॉस भी, स्टॉप लॉस का ये सिनारियो होगा और एंट्री का ये सिनारियो होगा। तो आप लोग जो भी इस वीडियो में देख रहे हैं, जिनको भी स्विंग ट्रेड लेना है, ठीक है, वो इस बेसिस पर आप लोग स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये तीन चीज का ब्रेकआउट करने जा रहा है। पहला राउंडिंग पैटर्न, फर्स्ट जो है राउंडिंग पैटर्न का है। सेकेंड जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, ठीक है। थर्ड जो है ट्रेंड लाइन का है। तो ये तीन चीज का ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो समझिएगा कि ये काफी तेज भागेगा अगर ये ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो। ये ब्रेकआउट का अभी के टाइम में मेरे से कोई पूछेंगे तो क्लियरली हम बता रहे हैं कि 5200 से 5270 के ऊपर जब तक ये बना हुआ है, निश्चिंत रहिए कि इस एरिया के लिए ही बना हुआ है, ब्रेकआउट करने के लिए ही बना हुआ है, नहीं तो अब तक इसको जो है 5200 से 5270 के नीचे आ जाना चाहिए था, ठीक है, यदि ब्रेकआउट नहीं करना था तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा अगर ये 5480 के ऊपर 1 घंटा का कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल वो जो क्लोजिंग जो दिया है कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर देता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।